वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलरिस। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे वीर भगत सिंह की। एक अनोखी बात हम लेकर इस वीडियो में आपके सामने आए हैं अपने इस चैनल पर। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वाले भगत सिंह पर कई किताबें लिखी गई, कई फिल्में बनी और अलग अलग विचारधारा के लोगों ने उन पर अपने अपने तरीके से हक भी जताया। भगत सिंह पर बनी फिल्मों में आपने अक्सर एक सीन देखा होगा जिसमें उनका किरदार निभा रहे अभिनेता अंग्रेज अफसर जॉन सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं। भगत सिंह और उनके साथियों से जुड़ी वस्तुओं की प्रदर्शनी भी कई लोगों ने देखी होगी, लेकिन भगत सिंह से जुड़ी एक खास चीज़ है जो फिल्मी पर्दे या फिर गाड़ियों और दीवारों पर अक्सर उनकी तस्वीर के साथ नजर आ जाती है। वो चीज़ है उनकी इस्तेमाल की हुई पिस्तौल। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भगत सिंह की पिस्तौल के बारे में। आपको बता दें कि पूरी 85 साल के बाद कैसे मिली भगत सिंह की पिस्तौल। तो आइए जानते हैं कि भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद उनकी पिस्तौल आखिर कहाँ गई। 20वीं सदी में इस्तेमाल की गई पिस्तौल इतने साल कहाँ पड़ी रही और कैसे 21वीं सदी में ये लोगों के सामने आई। भगत सिंह की पिस्तौल को दुनिया के सामने लाने वाले और इस सारी जद्दोजहद पर किताब लिखने वाले पत्रकार जुपिंदर जीत ने इस पिस्तौल की खोज के बारे में जो कुछ बताया है हम ला रहे हैं आपके सामने। भगत सिंह पर आरोप था कि उन्होंने अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या अमेरिका में बनी .32 बोर की कॉलेट सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल से की। जुपिंदर जीत ने चंद्रशेखर आज़ाद के इस्तेमाल किए हुए हथियार के बारे में अक्सर चर्चा सुनी थी। लोग उनके हथियारों के साथ सेल्फी लेते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हथियार को अच्छे तरीके से संभाल रखा था। जुपिंदर जीत कहते हैं कि उनके मन में कई साल पहले से ख्याल आते थे कि ये भगत सिंह की पिस्तौल का आखिर हुआ क्या, कहाँ गई, किसके पास है। वो बताते हैं कि 2016 में उन्होंने पिस्तौल को ढूंढना शुरू किया। काफ़ी मेहनत के बाद वो ये जानने में कामयाब हुए कि पिस्तौल को भगत सिंह की फांसी के बाद कहाँ भेजा गया था। 2016 में पिस्तौल का नंबर मिलने पर उन्हें पहली कामयाबी मिली। उनकी इस्तेमाल की गई पिस्तौल का नंबर था 168896। पिस्तौल के कागजात और अपनी खोजबीन के आधार पर वो कहते हैं कि 1931 में लाहौर उच्च न्यायालय ने पिस्तौल को पंजाब के फिल्लौर पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में भेजने का निर्देश दिया। वो बात अलग है कि पिस्तौल को यहाँ पहुँचते पहुँचते 13 साल लग गए। 1944 में यह पिस्तौल फिल्लौर आई गई। पिस्तौल का नंबर तो पता चल ही चुका था, फिर ये भी पता चला कि पिस्तौल कहाँ रखी गई है। जुपिंदर जीत के मुताबिक उन्होंने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में पिस्तौल को ढूंढना शुरू करवाया। वो कहते हैं कि यहाँ भी राह आसान नहीं थी। रिकॉर्ड खंगालने के बाद पता चला कि लाहौर से आए हथियारों में से साल 1968 में 8 हथियार मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित BSF के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स भेज दिए गए थे। ये बात तब की है जब भारत में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF वजूद में आई और इंदौर में इसकी ट्रेनिंग अकेडमी बनी। उस वक्त के राष्ट्रपति ने सारे राज्यों को चिट्ठी लिखी थी कि इस अकेडमी में प्रशिक्षण के लिए अपने अपने राज्यों से हथियार भेजें। पंजाब से जो 4 हथियार भेजे गए उनमें भगत सिंह की इस्तेमाल की हुई पिस्तौल भी शामिल थी। तो उनके मुताबिक वो बता रहे हैं कि यह जानकारी हासिल कर पाना भी मुश्किल काम था। उन्होंने बताया कि बड़ी मुश्किल से BSF के IG पंकज से संपर्क हो पाया, वो हथियारों के बारे में जानकारी दे सकते थे। उन्होंने बताया कि हथियारों को जंग से बचाने के लिए पेंट करके रखा जाता था। तो अब जब हथियारों की एक लिस्ट उनके सामने आई तो जैसे ही उन्होंने पेंट हटाना शुरू किया, तीसरा ही हथियार वो पिस्तौल
भगत सिंह की पिस्तौल थी। भगत सिंह की पिस्तौल के नंबर से इस पिस्तौल का नंबर मैच हो गया। अब समस्या ये थी कि इस पिस्तौल को पंजाब कैसे लाया जाए। पिस्तौल के कागजात के आधार पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई। इस याचिका में कहा गया कि पिस्तौल पर असल हक पंजाब का है, इसलिए इसे पंजाब के हवाले किया जाए। इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाने और अदालत के दखल के बाद पिस्तौल को पंजाब भेजे जाने का रास्ता साफ हो गया। अब इस पिस्तौल को पंजाब के हुसैनीवाड़ा के म्यूज़ियम में रखा गया है। भगत सिंह के गांव खटकर कलां के म्यूज़ियम में इस पिस्तौल को इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि हुसैनीवाड़ा की सरहद पर रोज़ाना बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अमेरिका में बनी ये पिस्तौल भगत सिंह को किसने दी, किससे लेकर दी, इसके सबूत नहीं मिले हैं। जुपिंदर ये भी पता लगाने की कोशिश अभी कर रहे हैं। तो जितनी जानकारी हमें भगत सिंह की पिस्तौल के बारे में मिल पाई, जो कि पूरे 85 साल के बाद सामने आई, हम आप तक लेकर आए हैं। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से स्कॉलरिस। फाइंड कीजिए हमें फेसबुक पर द स्कॉलरिस। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। याद रखिए स्कॉलरिस।